हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी गाड़ी में हवा भर रहे हैं। हम जाने वाले हैं अंश की स्कूल में, क्योंकि आज पेरेंट्स मीटिंग है। तो चलिए, आपको भी साथ लेके चलते हैं। और इसके अलावा भी छोटे छोटे कुछ काम हैं, तो वो भी करने चलेंगे। तो अभी निकलते हैं स्कूल की ओर। So here you can show that passbook to the phone because you are the information. So here you can show the passbook to the phone and tell them that we also paid the money. And if he doesn't pay with the bank, you can use the cash and get an evidence to show that yes, we paid the money. बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे और काफ़ी मेहनत की। और अंश का आज रिजल्ट भी था, फर्स्ट टर्म्स का। फर्स्ट टाइम कॉमर्स लिया है तो थोड़े मार्क्स कम आए थे, अकाउंट्स में सही थे। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं, अंश को छोड़ दिया है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट है, तो अभी वो तो वहीं रुकेगा। फिर हम जा रहे हैं रिलायंस मॉल, कुछ सामान लेना था तो रिलायंस मॉल आ गए हैं। रिलायंस के बाद अब हम मंदिर जाने वाले हैं, जो हमारे घर के पास ही है और बहुत अच्छा मंदिर है। पहले मैंने वीडियो भी बनाया है उस मंदिर का, शंकर जी का मंदिर है ये मंदिर। पांडव कालीन मंदिर है और इसमें शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज भी पूजा करने के लिए आते थे। और काफ़ी अच्छा मंदिर है, ब्लैक पत्थरों से बना हुआ है। और अब अंश का फ़ोन भी आ रहा है कि मुझे लेने आ जाओ, तो अब अंश को लेने के लिए चलते हैं। सबको प्रसाद बांट दिया मैंने वहीं पर। मंदिर से घूमने के बाद और ये धूप खिली हुई है और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है फूलों के साथ। आप क्या ढूंढ रहे हैं? पेड़ पे बहुत आंवले लगे हैं, तो वो मैं खा के देख रही हूँ। ये अलग टाइप का आंवला है, ये आंवले से थोड़ा छोटा है। और ये पेड़ हम भी खरीद के लेके गए थे। वहाँ पे बहुत सारे कच्चे अमरूद और नींबू भी लगे हैं। हमारे यहाँ के पेड़ में भी नींबू आ गए हैं, अभी कच्चे हैं। इस बार हम नर्सरी से थोड़ी मिट्टी भी खरीद के लाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो थोड़ी मिट्टी अच्छी खरीद के लेके आए पेड़ों के लिए। फाइनली अभी घर पहुँच चुके हैं और बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि सुबह नाश्ता करके गए थे। बाल भी कैसे हो गए, पूरा फेस खराब हो गया। अब खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।